हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू अवर चैनल प्रीति सिंगिंग शेफ। आज हम आपके लिए बहुत ही टेस्टी सलोनी, जिसको हम बोलते हैं, वो बनाने जा रहे हैं। ये दो टाइप की बनाई है यहाँ पे मैंने, तो ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगती है। इसको चाय से, सूप के साथ, चाट के ऊपर डाल के किसी भी तरीके से आप खा सकते हैं। और बहुत ही मैंने यहाँ पे कम ऑयल का इस्तेमाल किया है इसमें। चलिए आइए इसकी हम प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है 400 ग्राम और ऑयल डाला है इसमें 3 टेबल स्पून अजवाइन और सॉल्ट टू टेस्ट। और ऑयल चाहिए हमको फ्राई करने के लिए। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये सब चीज़ें इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये फ्रेंड्स, जो दो तरह की ये सलोनी मैंने बनाई है, इसमें थोड़ा सा आटा जो हम वो करते हैं, डो बनाते हैं, वो दो टाइप का होता है। ये देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा सॉफ्ट आटा गूंथा है। अब मैं इसके ही दो भाग कर लूँगी और इसको थोड़ा सा, एक भाग इसका थोड़ा हार्ड कर लेंगे। ये देखिए, जैसा ये मैं आपको आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में, ये देखिए इसका मैंने एक पेड़ा काटा और अब इसको मैंने बहुत पतला नहीं बेलना है, इसको थोड़ा सा हमको मोटा ही रखना है। और ये इतना कड़क होता है ये आटा कि ये आसानी से कट जाती है सलोनियाँ। इसको हमको काटने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। ये देख रहे हैं आप, फटाफट ये कट जाती है। और इसको मैं लंबे लंबे पीसेस इसके काट रही हूँ। ये देखिए, बहुत ही इजी है ये, बहुत ही क्विक है और इतनी अच्छी लगती है कि आप कभी भी इसको बैठे बैठे ऐसे ही खा सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये ऑयल लिया है, इसको मैंने गरम कर लिया है। इसको टेस्ट कर लेते हैं पहले, ये गरम हुआ है कि नहीं। ये हो चुका है अच्छे से गरम, जैसा हमको चाहिए। अब यहाँ पे हम ये बेली हुई, काटी हुई जो सलोनियाँ हैं वो हम इसमें डाल देंगे। आप देख रहे होंगे कि मैंने खट्टी डाली पर ये ऑटोमेटिक फैल चुकी है ये पूरी कढ़ाई में। ये देखिए, और इसको हमको थोड़ा सा मीडियम फ्लो लेम पे ही इसको सेकना है। बीच में हमको इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम भी कर देना है। ये देखिए, इसका कितना सुंदर कलर आया है। अब ये दूसरे टाइप का, जो मैंने और भी सॉफ्ट बनाया हुआ था आटा, मैं वो लेती हूँ। ये देखिए, इसके हम पेड़े काट लेंगे। अब हम इसके बाद, ये देखिए, इसको हम बहुत पतला बेलेंगे और ये हमको इसको बार बार उठाना नहीं है। ये देखिए, ऐसे ये चकले को हमको सिर्फ इसको राउंड अबाउट घुमाते रहना है और जहाँ से भी आपको ये थोड़ा सा मोटा लग रहा है उस जगह से आप इसको बढ़ा सकते हैं बेल के। ये देखिए, ये मैंने बेल लिया है बहुत अच्छे से, एकदम पतली बेली है। ये देखिए, इतनी पतली होती है ये। अब हम इसको कट करेंगे। ये देखिए, इसको मार्केट में ना पपड़ी भी बोलते हैं। ये चाट के ऊपर डाली जाती है, ये बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, ये ऐसे मैंने ये कट कर ली है, मैं सारे ये ऐसे ही कट कर लूँगी। आप साइज़ शेप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये देखिए, अब मैंने फिर यहाँ पे मीडियम फ्लेम कर रखी है
अब ये इसको अच्छे से मैंने ये सारे इसमें डाल, जैसे ही हम ये ऑयल में डालते हैं ये चिपके हुए तो रहते हैं पर ये अपने आप से ये छोड़ देते हैं जगह। ये देखिए, और हमको इसको फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इसको हमको फ्राई नहीं करना है, इसको हमको कम ही सेकना है क्योंकि ये बहुत पतली है। यदि हम ज़्यादा देर इसको तलेंगे तो ये जल जाएगी। ये देखिए, ये बस ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये थोड़ी सी वाइट ही रहती है। ये देखिए, ये अब हमने इसको निकाल लिया है और ये बिल्कुल तैयार है। ये तो है ना फ्रेंड्स, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी एंड वेरी क्विक मेथड से बनने वाली सलोनी। फ्रेंड्स, अभी तक आपने यदि मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू बेल, प्रेस बेल आइकन। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आप कभी भी किसी भी सीज़न में बना के और इसको हफ्ते, एक हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।